नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मेरे चैनल में आप सबको फिर से स्वागत में है। सर मैं आज मैं फोटोकॉपी मशीन का ये जो पेपर जैम रिलेटेड में जो प्रॉब्लम का सलूशन बता रहा हूँ, ये है बहुत सारे फोटोकॉपी करते वक्त ये जो पेपर जैम होता है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे ये पेपर जैम होता है, क्यों होता है, इसका सोल्यूशन भी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बोल दे, दो तरीके के यहाँ पेपर जैम होता है। एक सीधे स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे पेपर जैम हो जाता है जहाँ पे पेपर को कहीं भी फोल्ड नहीं रहता है, और एक प्रॉब्लम रहता है वो भी यहाँ पे पेपर आके ऐसे फोल्ड हो जाता है जो बहुत दुमरा मुचरा रहता है, जहाँ पे यहाँ पे पेपर ऐसे फोल्ड 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 हो जाता है यहाँ पे आकर। तो ये दो तरीके पेपर जैम होता है। तो देखिए यहाँ पे उसके सोल्यूशन हम यहाँ बताएंगे क्यों ये होता है। तो देखिए यहाँ पे दो तीन कारण रहते हैं जिससे कि आपका पेपर जैम होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये आपका सेंसर। ये सेंसर अगर आपका काम करता है तो एक प्रॉब्लम होता है, और सेंसर काम नहीं करने से और एक प्रॉब्लम होता है। और एक प्रॉब्लम होता है जो पेपर जैम यहाँ पे अगर कहीं पे कुछ फंसा हुआ है, कहीं पे स्क्रू गिरा हुआ है, या कहीं भी कागज़ फंसा हुआ है, या कुछ भी यहाँ गंदगी लगा है, या यहाँ पे कहीं पे कुछ भी गंदगी लगा है जिससे कि आपका ये काम नहीं कर रहा है, ये दो तीन कारण रहते हैं या सेंसर काम नहीं कर रहा है। तो देखिए जो सेंसर है, सेंसर अगर आपका बराबर काम करता है तो आपका पेपर जैम जो होता है सेंसर काम करने से वो इस तरीके से फोल्ड हो जाता है आपका पेपर। तो सेंसर सही है मतलब आपका पेपर फोल्ड रहेगा, अगर सेंसर खराब है तो आपका पेपर सीधा स्ट्रेट लाइन में यहाँ आके रुक जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में आके पेपर रुक जाएगा। तो ये दो प्रॉब्लम रहता है जिसके कि आपका पेपर जैम होता है। तो ये पेपर जैम के लिए ये सोल्यूशन है। तो ये सेंसर अगर आपका सही है तो आपका पेपर जैम होगा इस फोल्ड तरीके से, अगर आपका ये सेंसर काम नहीं कर रहा है तो आपका ये जो पेज यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में आके रुक जाएगा। तो दोनों ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेट लाइन में जो रुक जाता है जो पेज, वो सेंसर काम नहीं करने के कारण, मतलब सेंसर का काम है यहाँ पे जो रबर का जो यहाँ पे रोलर दिखाई दे रहा है, सेंसर से ही वो रबर का रोलर यहाँ घूमता है। मतलब ये जो रोलर दिखाई दे रहा है, रोलर का काम है घूमना। ये सेंसर स्विच होता है, स्विच हो जाने से आपका ये रोलर घूमना शुरू करेगा, तब पेज को अंदर को ओर पासिंग कराएगा। तो अंदर को ओर पासिंग कराता है तभी जब सेंसर यहाँ पे काम करता है। तो सेंसर काम करने से पासिंग कराएगा, और पासिंग कराने वक्त अगर यहाँ कुछ फंसा रहता है तो पेपर यहाँ फोल्ड होकर जमा हो जाता है। तो ये सेंसर काम करने से, अगर सेंसर काम आपका नहीं करता है तो आपका यहाँ पे पेज आके यहाँ रुक जाएगा, आगे भी बढ़ेगा नहीं, और मशीन भी आपका पेपर जैम देखा शो कर देगा। यहाँ पे जो आपका रेड लाइट बत्ती, रेड बत्ती जल उठता है, यहाँ पे पेपर भी जैम का शो कर देगा, मतलब आपको पेपर जैम दिखाएगा, मतलब यहाँ पे पेपर फंसा हुआ है। पेपर फंसने का कारण आपको वहाँ बताया नहीं जाता, यहाँ बोला जाता है पेपर जैम क्या कारण है, ये यही वीडियो से आपको समझ लेना होगा। तो ये सेंसर को आपको सही तरीके से देखना होगा, यहाँ पे कहीं की गंदी की है कि नहीं वो देखना होगा। ये दो तीन चीज़ देख लीजिए तो आपका वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। तो सेंसर का काम क्या है, आगे वीडियो में हम बताएंगे सेंसर का क्या क्या काम है, सेंसर का खासियत क्या है, प्रोग्रामिंग क्या ऐसा प्रोग्रामिंग है जो सेंसर से काम करता है। सेंसर में ऐसा प्रोग्रामिंग डाला गया है कि जो आईसी बोर्ड में जो प्रोग्रामिंग डाला गया है, इस मशीन का जो सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से वो माइक्रो कुछ सेकेंड के अंदर ही पेपर को पासिंग करना है उस सेंसर को छूने के बाद। और अगर वो सेंसर को छू भी देता है तो अगर नेक्स्ट सेंसर में जाने का जो टाइमिंग है उस सेंसर के छूने के, उस टाइम में अगर नेक्स्ट सेंसर में अगर वो पेज नहीं पहुंचता है तब आपको पेपर जैम कराता है, तो जैम भी शो कर देता है। तो इस तरीके से आपका प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह नए नए वीडियो डालते रहेंगे। आपका प्रॉब्लम बोलिए, हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, अगले वीडियो डालने के लिए हम तैयारी करते हैं।